स्टार्ट में हमें ईयर 1989 में अलास्का का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी कार्ल जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर जा रहा था। दूसरी तरफ कोई अननोन पर्सन किसी फ्रिक्वेंसी को एग्जामिन कर रहा था। और फिर जब वो आदमी कार्ल अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, तो तब उसके आगे वाला ट्रक हवा में उड़कर दोबारा से नीचे आकर गिरता है। तब ये देखकर कार्ल अपनी गाड़ी से बाहर आता है, लेकिन तभी वहाँ एक मिस्टीरियस UFO यानी एलियन स्पेसशिप आकर कार्ल को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मूवी का मेन कैरेक्टर आइजक दिखाया जाता है, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर होता है। वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर स्पेस में एक सिग्नल भेजता है और फिर कुछ टाइम बाद उसे कोई डाटा रिसीव होता है। असल में आइजक रोज अपना एक व्लॉग बनाता था। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो हाइकिंग के लिए गया होता है, तो तभी उसे स्पेस में से कोई चीज नीचे आती हुई दिखाई देती है। अब इस चीज को नीचे आते हुए सिटी के सारे लोग भी देख पाते हैं। तब उस जगह पर पुलिस भी जाने लगती है, लेकिन उनसे पहले आइजक वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ उसे वही UFO यानी एलियन स्पेसशिप दिखाई देती है। तब आइजक उसे कैमरा में कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो एलियन स्पेसशिप वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी आइजक के पीछे एक एलियन आ जाता है, जिसे देखकर आइजक काफी घबरा जाता है। वो किसी तरह करके उसे भी कैमरा में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो एलियन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आइजक भी वहाँ से भागने लगता है और ये सीन यहीं पर कट जाता है, यानी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आइजक वहीं पर बेहोश था 3 दिन से, जहाँ उसने उस एलियन को देखा था और उसके हाथ पर कुछ अजीब से निशान भी बने हुए थे। इसके बाद वो अपने कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है, जिसमें कि एलियंस उसे अपने साथ ले जा रहे थे। और बस उसके बाद आइजक का कैमरा बंद हो गया था। इसके बाद आइजक अपने घर आ जाता है और फिर अचानक से देखते ही देखते उसका टीवी गायब हो जाता है। तब ये देखकर आइजक काफी घबरा जाता है, लेकिन फिर वो टीवी वापस भी आ जाता है। तब आइजक को लग रहा था कि उसे हेलुसिनेशंस हो रही हैं, इसीलिए वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाता है। तब डॉक्टर उसके हाथ के एक्सरे देखकर एक शॉकिंग बात बताता है कि असल में तुम्हारे हाथ को किसी ने काट दिया था और अब उसे ऐसे जोड़ दिया है कि जैसे वो कभी कटा ही ना हो। तब ये देखकर उस डॉक्टर को भी यकीन नहीं होता। इसके बाद आइजक ऑफिस आकर अपने फ्रेंड को भी वो वीडियो दिखाता है, जिसमें एलियंस उसे ले जा रहे थे, लेकिन उसका फ्रेंड भी इस पर यकीन नहीं करता। तो इसीलिए आइजक अपने घर आ जाता है और वो एलियन वाली वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है और टाइटल में वो एलियन अबडक्शन लिखता है, यानी मुझे एलियंस ने किडनैप किया था और मैं एलियंस का विक्टिम हूँ। फिर देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे आइजक को मीडिया चैनल्स वाले इंटरव्यू के लिए कॉल करने लगते हैं। तब आइजक एक चैनल को इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ पर रिपोर्टर उसे काफी सवाल पूछती है और ये भी कि उस टाइम आपके पास कैमरा कैसे था। तब इस सवाल पर आइजक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और अटक जाता है, तो इसीलिए वो रिपोर्टर इस बात को झूठी कहानी समझकर इंटरव्यू को बंद कर देती है। इसके बाद जब आइजक घर जाता है, तो न्यूज चैनल पर कहा जा रहा था कि आइजक ने फेमस होने के लिए एक फेक वीडियो बनाई, तो इसीलिए फौरन आइजक नेट पर सर्च करता है कि और कितने लोग एलियंस की विक्टिम रह चुके हैं, यानी एलियंस ने और किस किस को किडनैप किया। जहां पर उसे एक लड़की का कमेंट दिखाई देता है, जिसमें उसने वो सारी चीजें लिखी हुई थी जो आइजक के साथ हुआ था। तब आइजक फौरन उसे मैसेज करके एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है, और जब आइजक होटल पहुंच जाता है, तो वहां पर वो लड़की भी आ जाती है और इस लड़की का नाम सैरा था। तब आइजक उसे अपनी वीडियो भी दिखाता है और हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स भी, जिसमें UFO यानी एलियन स्पेसशिप की पिक्चर बनी हुई थी। तब सैरा बताती है कि मैंने ईयर 1989 में अलास्का में होने वाले एक आदमी कार्ल की एलियन किडनैपिंग के बारे में सुना है। उस आदमी ने लाइट डिटेक्टर भी पास किया और उस इंसिडेंट के बाद कार्ल गायब हो गया। फिर जब दोनों की बातें खत्म होती है, तो आइजक उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले इसे रिलेटेड, तो मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट डे आइजक अपनी शूट की गई एलियन वाली वीडियो को उन सभी को कॉरियर करवाने जाता है, जिन्होंने भी एलियंस की तरफ से किडनैपिंग का आर्टिकल इंटरनेट पर डाला था। तभी रास्ते में आइजक को एक राइटर मिलता है और वो आइजक को कहता है कि मैं तुम्हारी कहानी लिखना चाहता हूँ और अगर तुम्हें ये ठीक लगे तो मुझे कॉल कर देना। तब ये कहकर वो आइजक को अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आइजक उसी राइटर के पास चला जाता है। वो राइटर कहता है कि तुम्हें लाइट डिटेक्टर पास करना चाहिए, जिससे सभी को यकीन हो जाए कि सच में तुम्हें एलियंस ने किडनैप किया था और तुम एलियंस के विक्टिम हो। तब आइजक करता भी ऐसे है और वो लाइट डिटेक्टर को पास कर लेता है। फिर वो राइटर कहता है कि मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर दो गवर्नमेंट एजेंट आ जाते हैं और वो आइजक को पकड़ लेते हैं। असल में ये एजेंट उन्हीं को पकड़ते हैं जिन्होंने UFO को देखा होता है, या उस इंसान को जो ये दावा करता है कि मैंने
एलियन को देखा है, एलियन स्पेसशिप को भी देखा है। इसके बाद जब आइजक को होश आता है तो दो एंड्रॉइड्स उसे कमरे में लाकर बंद कर देते हैं। वो एंड्रॉइड सैरा को भी वहाँ पर लाए थे, लेकिन उन्होंने सैरा को किसी और रूम में रखा था। आइजक के सामने एक टीवी रखा हुआ था जिस पर एक ऑफिसर आइजक को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। फिर वो ऑफिसर उसे दूसरे रूम में रखी गई अलग अलग चीजों पर ध्यान देने को कहता है ताकि आइजक के अंदर जो पावर है उसका पता चल सके। इसके बाद वो आइजक को कार्ल की पिक्चर दिखाकर पूछता है कि इसके बारे में तुम क्या जानते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। फिर आइजक अपने हाथ खोलकर वहां पर रखे हुए टीवी को गिरा देता है। फिर वो सैरा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एंड्रॉइड्स आ जाते हैं, लेकिन आइजक उन्हें मारकर उनकी गन लेकर वहां से भाग जाता है। आगे जाकर उसे एक रूम में सैरा दिखाई देती है और वो उसे छुड़ाकर एंड्रॉइड से बचते हुए एग्जिट डोर तक आ जाता है, लेकिन तब तक वो ऑफिसर सारे दरवाजे बंद कर चुका था। अब यहाँ पर आइजक को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसके अंदर कोई पावर आ गई हो और वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाता है। और यही नहीं बल्कि वो डोर को लॉक भी कर देता है। उधर वो ऑफिसर अपने साथियों को बताता है कि असल में ये दोनों कार्ल के पास जा रहे हैं और हमें उनका पीछा करके सारी डिटेल्स जाननी होंगी, इसीलिए वो अपने एंड्रॉइड्स को उनके पीछे लगा देता है। आइजक और सैरा आजाद होने के बाद खुद को एक विलेज एरिया में पाते हैं। वो दोनों वहाँ से निकलकर एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर आइजक सैरा को कहता है कि अगर मुझे इंटरनेट मिल जाए तो मैं कार्ल की लोकेशन बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। तो इसीलिए आइजक एक लड़की से पूछता है कि क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानती हैं जिसके पास इंटरनेट और कंप्यूटर दोनों हो। तब वो लड़की उन लोगों को एक पेपर पर एक हैकर का एड्रेस लिखकर देती है। इसके बाद वो दोनों उस हैकर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब वो उस हैकर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर एंड्रॉइड्स भी आ जाते हैं, तो इसी वजह से वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो हैकर उन्हें बताता है कि जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं वो यूनाइटेड नेशन की सीक्रेट सोसाइटी वाले हैं और वो यहाँ पर अंडरग्राउंड रहते हैं सबसे छुप कर, और मेरे बारे में तो तुम जानते ही हो कि मैं एक हैकर हूँ और मैंने ही उनके सिस्टम को हैक किया था। अब आइजक उसे कार्ल की लोकेशन निकालने के लिए कहता है, जिस पर वो हैकर अपने लैपटॉप इंटरनेट की मदद से कार्ल की लोकेशन निकालने में कामयाब हो जाता है। असल में कार्ल की लोकेशन कनाडा में आ रही थी, वो वहाँ पर कहीं छुपा हुआ था। इसके बाद हैकर कार्ल को वीडियो कॉल करता है, तो आइजक अब कार्ल से बातें करने लगता है और वो कार्ल को सारी बात बता देता है जो कुछ उसके साथ हो चुका है। आइजक उसे ये भी बताता है कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने सैटेलाइट की मदद से स्पेस में एक सिग्नल भी भेजा था और कुछ टाइम बाद हमें वहाँ से डाटा भी रिसीव हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वो कोई ग्लिच हो। लेकिन कार्ल उसे उस सैटेलाइट सिग्नल का डाटा मांगता है। तब आइजक उस हैकर को नासा के सर्वर में जाकर उस सिग्नल को डाउनलोड करने के लिए कहता है और वो हैकर इजीली ऐसा कर भी लेता है। इसके बाद वो डाउनलोडेड सिग्नल कार्ल को भेज देते हैं। कार्ल उस सिग्नल को अपने लैपटॉप में डालकर एक ऑडियो फाइल बनाता है। तब उसे सुनने के बाद कार्ल को पता चलता है कि असल में वो सिग्नल्स एलियंस की तरफ से भेजे गए थे और एलियंस अब 5 दिन बाद दोपहर को 4 बजे जमीन पर आएंगे। तब कार्ल आइजक को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके छुप जाओ तुम लोग, क्योंकि सीक्रेट एजेंसी वाले तुम्हें ढूंढ लेंगे और अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी फेंक दो या फिर बंद कर दो। ऐसा कहने के बाद कार्ल वीडियो कॉल बंद कर देता है। आइजक कहता है कि हमें कनाडा जाकर कार्ल को ढूंढना चाहिए क्योंकि एलियंस 5 दिन बाद यहाँ पर आने वाले हैं, इसीलिए अब ये तीनों कनाडा के लिए निकल जाते हैं। उधर उस ऑफिसर को भी पता चल चुका था कि वो तीनों कनाडा जा रहे हैं। पूरी रात सफर करने के बाद अगले दिन वो फाइनली कनाडा पहुंच जाते हैं और एक ट्रेन में बैठकर कार्ल को ढूंढने जाते हैं। वहीं रेलवे ट्रैक का पीछा करते हुए एंड्रॉइड्स भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तब हैकर उन दोनों को मास्क देता है और कहता है कि वो एंड्रॉइड्स हमारे चेहरे देखकर ही हमें पहचान सकते हैं, इसीलिए वो तीनों मास्क लगाकर बैठ जाते हैं वहीं पर। तभी एंड्रॉइड्स वहां पर आकर उन्हें चेक करने लगते हैं, यानी स्कैन करने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक एंड्रॉइड को आइजक पर शक हो जाता है और बस वो आइजक को शूट करने ही वाला था कि वो तीनों बिल्कुल ठीक टाइम पर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। आइजक और सैरा तो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और हैकर ट्रेन के दरवाजे के पास छुप जाता है। एक एंड्रॉइड आइजक का पीछा करते हुए ट्रेन के ऊपर आने लगता है, लेकिन वो वहाँ से गिर जाता है। इसके बाद दूसरा एंड्रॉइड ऊपर जाने ही वाला था तो तब वो हैकर उसे धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है। फिर देखते ही देखते वो तीनों कार्ल के कैबिन के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन कार्ल उन्हें कैमरा की मदद से देख लेता है और गन लेकर बाहर आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पीछे सीक्रेट एजेंसी वाले होंगे, इसीलिए कार्ल एक अजीब सी डिवाइस को उनके हाथों पर लगाता है और एक हैरान कर देने वाली बात भी बताता है कि उन एलियंस ने तुम्हारे हाथों पर एक ट्रैकर लगाया हुआ है और उस ट्रैकर की मदद से सीक्रेट एजेंसी वाले तुम्हें ढूंढ सकते हैं आसानी से। अब कार्ल जैसे ही उनके ट्रैकर्स को बंद करता है तो ऑफिसर के पास से भी सिग्नल्स चले जाते हैं। इसके बाद वो उन्हें अपने कैबिन में ले जाकर बताता है कि ये सब कुछ मैंने, जो मेरा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, 20 साल पहले जमा किया था और मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो किसी भी फ्रिक्वेंसी या फिर सिग्नल को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर सकती है। असल में मैंने भी एलियंस को सिग्नल भेजा था और मुझे
कोई भी रिप्लाई आया था, लेकिन वो रिप्लाई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना स्ट्रॉन्ग रिप्लाई तुम्हें मिला है आइज़ैक। इसके बाद हमें एलियन आने से 5 मिनट पहले का टाइम दिखाया जाता है। वो तीनों कार्ल के केबिन में थे कि तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। तब चेक करने के लिए आइज़ैक घर के बाहर आ जाता है और वो जंगल में एलियंस को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वही एलियन फिर से आइज़ैक के पीछे आ जाता है। तब आइज़ैक उसे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। इसके बाद ये सीन ब्लैकआउट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों कार्ल के केबिन में थे और उनके साथ वो एलियन भी था। कार्ल अपने डिवाइस की मदद से एलियन की आवाज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि एलियन आखिर कह क्या रहा है। वो एलियन कहता है कि हम इंसानों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं और इंसानों की दुनिया यानी अर्थ सबसे अलग क्यों है। वो एलियन सभी को एक विजन दिखाकर ये सवाल करता है कि ये कौन है, और इस विजन में वो जीसस क्राइस्ट को देखते हैं, जिस पर आइज़ैक कहता है कि जीसस क्राइस्ट है, तुम इनके बारे में क्या जानना चाहते हो। जिस पर वो एलियन कहता है कि इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, हमारे नॉलेज के मुताबिक ये सबसे अलग है और वो यूनिवर्स की क्रिएशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया और वो हो तुम। हाँ बिल्कुल, हमारे सारे सवालों का जवाब आइज़ैक तुम हो। सारा उस एलियन को बताती है कि जब से हमारी किडनैपिंग हुई हमारे हाथ में दर्द होती रहती है। जिस पर वो एलियन कहता है कि हमने आपके हाथों में ट्रैकिंग डिवाइस डाला था। वो एलियन सारा के हाथ में एक डिवाइस लगाता है जिससे सारा का हाथ 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और फिर वो अपना ट्रैकर सारा के बाजू से निकाल लेता है। और जब वो एलियन आइज़ैक की डिवाइस निकालने वाला था तो तभी बाहर वो ऑफिसर और उसके लोग आ जाते हैं और वो बाहर से कार्ल को धमकी देते हैं कि अगर तुम बाहर ना आए तो हम ही तुम्हारे केबिन में घुस कर तुम्हें मार देंगे। और इसके बाद कार्ल बाहर आता है। यहाँ पर वो ऑफिसर कार्ल से अपने फादर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। असल में जब मूवी के स्टार्ट में कार्ल के आगे वाले ट्रक को एलियन ने हवा में उठाकर नीचे कर दिया था तो उस ट्रक में कोई और नहीं बल्कि इस ऑफिसर के फादर थे, लेकिन उसके फादर वापस नहीं आए, कार्ल वापस आ गया था। इसीलिए उस ऑफिसर को लग रहा था कि कार्ल ने उनके फादर को मार दिया है। वो ऑफिसर कार्ल को कहता है कि अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा, देखना। जिस पर कार्ल कहता है कि मैं भी कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं पता मुझे उनके बारे में कि वो कहां गए। लेकिन उस ऑफिसर को कार्ल की बात पर यकीन नहीं आता और वो उसे वहीं पर ही शूट कर देता है। तब ये देखकर सारा भी बाहर आ जाती है, जिससे उस ऑफिसर को पता चल जाता है कि वो दोनों भी अंदर हैं। और अब जब एलियन आइज़ैक का ट्रैकर निकाल रहा होता है तो वो ऑफिसर उसे भी धमकी लगाता है कि अगर तुम बाहर ना आए तो मैं सारा को शूट करके मार दूंगा। लेकिन आइज़ैक के बाहर ना आने पर सच में वो ऑफिसर सारा को मार देता है। और अब यहाँ पर आइज़ैक का ट्रैकर भी निकल जाता है। फिर वो एलियन आइज़ैक को कहता है कि तुम्हारे अंदर जो टेलीकिनेटिक पावर है उसे यूज करो। जिसके बाद आइज़ैक अपनी टेलीकिनेटिक पावर को यूज करते हुए उस हैकर को लेजर लगने से पहले ही टेलीपोर्ट करके केबिन से बाहर ले आता है। और जैसे ही वो बाहर आता है वो ऑफिसर और उसके साथियों को गायब कर देता है कहीं पर। ये देखकर वो हैकर भी काफी हैरान रह जाता है कि वो सारे कहाँ चले गए। इसके बाद वो एलियन सारा और कार्ल को दोबारा से जिंदा कर देता है और उन्हें अपनी एलियन स्पेसशिप में बिठा कर कहीं और ड्रॉप करता है। एलियन स्पेसशिप में बैठने के बाद उस ऑफिसर को लग रहा था कि वो सारे वहाँ से भाग गए हैं। इसके बाद हमें 6 मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइज़ैक और सारा बड़ी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और आइज़ैक अपनी और ज्यादा टेलीकिनेटिक पावर को यूज करना सीख रहा है। उधर कार्ल और उस हैकर ने अपनी एक सीक्रेट एजेंसी बना ली है और उस ऑफिसर को भी उसकी ड्यूटी से हटा दिया गया, क्योंकि उसने कार्ल और सारा को शक की बुनियाद पर बगैर सबूत के मार दिया, क्योंकि एजेंसी वालों को ये बात नहीं पता थी कि कार्ल और सारा जिंदा है। कार्ल सारा के साथ बहुत खुश होता है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Let roll up to the party, roll up, roll up.